ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 के दिन, इस दिन प्यारे बच्चों बैसाखी का दिन पड़ता था, समझ गए ना, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने सोचा कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, समझ गए ना। और आंदोलन कैसे करना होगा, इसके लिए लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा का आयोजन किया, समझ गए। यह आंदोलन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जेल से बाहर निकालेंगे। सबसे पहला तो टारगेट यही था कि किस तरीके से हम सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को बाहर निकालें, पहला टारगेट यही था। और दूसरा टारगेट यह था कि ये जो रॉलेट एक्ट कानून लाया है ना, इसका हम लोग जमकर के विरोध करें, समझ गए। दो टारगेट था जी, पहला टारगेट क्या था, टारगेट नंबर वन शांतिपूर्ण सभा करने का पहला टारगेट क्या था, दोनों नेताओं को बाहर निकालना, ये पहला टारगेट था। और दूसरा टारगेट था रॉलेट कानून जो निकला था ना, रॉलेट एक्ट कानून जो निकला था प्यारे बच्चों, इसका विरोध करना, रॉलेट एक्ट का विरोध करना, कि जब तक ये कानून रहेगा ना लोगों को चैन से अंग्रेज जीने नहीं देगा, तो इस कानून को हम विरोध करते हैं और इस कानून को बंद करवाएंगे, समझ गए। तो ये दो काम किस तरीके से किया जाए, इस दोनों चीज को क्या पूरा करने के लिए लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा पंजाब के अमृतसर में एक बाग है प्यारे बच्चों, पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियावाला बाग, समझ गए। पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जलियावाला बाग। कहा गया कि सब लोग भाई 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियावाला बाग में जुटेंगे, सब लोग वहां पर रहेंगे, सभा होगा, सभा में यह बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने नेता को बाहर निकालें और किस तरीके से रॉलेट एक्ट का हम लोग विरोध करेंगे, समझ गए। लोगों को मतलब भड़काने के लिए यह कानून था कि भारतीय लोग जागें, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियावाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा कैसा था, कोई मारकाट वाला सभा नहीं था, शांतिपूर्ण सभा था प्यारे बच्चों, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा हम आपको जलियावाला बाग के बारे में बता देते हैं। जलियावाला बाग प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो जलियावाला बाग ना एक ऐसा बाग है जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और एक तरफ एक बहुत पतला गेट है, इतना पतला गेट है कि एक बार में एक व्यक्ति अगर अंदर जाएगा तो दूसरा व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं आ सकता है, समझ गए। इतना पतला गेट था, समझ गए ना, एकदम पतला गेट था ताकि एक बार में एक व्यक्ति ही चाहे तो अंदर जाए चाहे तो बाहर, इतना पतला गेट था। और प्यारे बच्चों 13 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के दिन यहां पर क्या होने वाला था, इस जलियावाला बाग में सभा होने वाला था। और जानते हैं ना, एक कहावत है प्यारे बच्चों कि घर का भेदी लंका डाहे, होता है ना, घर का भेदी लंका डाहे। 20,000 लगभग व्यक्ति शामिल हुए थे, कितने व्यक्ति, 20,000 व्यक्ति लगभग प्यारे बच्चों शामिल हुए थे इस सभा में, 20,000 व्यक्ति लगभग शामिल हुए थे और 20,000 व्यक्तियों के साथ ये सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, समझ गए। और कोई भारतीय ही एक नंबर के कर्महीन आदमी था, समझ गए ना, कोई भारतीय ही व्यक्ति था जो अंग्रेजों का उस समय, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का उस समय प्रधान था, समझ गए ना, जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, जनरल डायर, पूरा नाम है जनरल ओ डायर, समझ गए। ये प्यारे बच्चों क्या था, उस समय अंग्रेजों का प्रधान था, समझ आया, अंग्रेजों का प्रधान था जनरल डायर। तो किसी भारतीय ने ही, जानते थे ना कि अरे भाई उसके लिए कुछ ना कुछ भारतीय लोग भी तो काम करते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे देता होगा और कहता होगा कि तुम गुप्त जानकारी हमको देते रहना, तो थोड़ा बहुत पैसा के चक्कर में कोई भारतीय लोग क्या किए, थोड़ा सा पैसा के चक्कर में कोई भारतीय, कोई एक भारतीय लोग इस सभा के बारे में जानकारी दे दिया जनरल ओ डायर को। अब कहिएगा कि सर सभा के बारे में जानकारी दे दिया तो क्या हो गया, ये तो शांतिपूर्ण सभा चल रहा था। तो प्यारे बच्चों आपको अभी अभी बताया है कि रॉलेट एक्ट कानून के तहत ऐसा कहा गया था कि एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति जमा नहीं होंगे, कहा गया था ना, रॉलेट एक्ट में ये कानून था, कानून बन गया था कि एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति जमा होकर के आंदोलन या फिर बात विचार नहीं करेंगे। और चूंकि एक जगह पर लोगों को जमा नहीं होना था और अंग्रेजों के कानून के विरोध में ये लोग 20,000 लोग एक जगह पर जमा हो गए थे और इसलिए, और 20,000 लोग एक जगह जमा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ ही बात कर रहे थे, तो जनरल ओ डायर को गुस्सा आ गया, समझ गए ना, जनरल ओ डायर को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और ये अपना पूरा फौज लिया, क्या किया, ये अपना पूरा फौज लिया और पूरा फौज लेकर के चारों तरफ से जलियावाला बाग को घेर लिया, समझ गए ना, ये चारों तरफ से सैनिक है जी, जलियावाला बाग को क्या किया कि चारों तरफ से सैनिकों से घेर लिया, समझ गए, चारों तरफ से सैनिकों से घेर लिया। और बारी बारी से करके सारे सैनिक इस गेट के रास्ते से अंदर चले गए, समझ गए ना, सभी सैनिक इस गेट के रास्ते से अंदर चले गए और जलियावाला बाग जो था ना उसके अंदर घुस करके जो बहुत सारे लोग यहां पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, समझ गए ना, ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, मतलब सीधे सीधे जनरल ओडायर ने आदेश दे दिया कि बाग के अंदर जितने भी सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं सब पर गोली चला दो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे जवान हो, कोई भी रहे, सबको गोली से उड़ा दो, समझ गए। अब जनरल डायर का आदेश जैसे ही आया, पुलिस ने क्या किया, अंग्रेजों का तो पुलिस था उसको क्या दया ममता था, सीधे सीधे सब पर गोली चला दिया और गोली चला करके बहुत सारे व्यक्तियों को क्या किया, मार दिया, समझ गए ना, बहुत सारे व्यक्तियों को मार दिया। अब इसी प्यारे बच्चों जलियावाला बाग के बीच में ना एक कुआं था, क्या था, कुआं, कुआं समझते हैं ना, जिसमें से पानी निकालते हैं,
अब लोग जान बचाने के लिए इस कुआं में कूदना शुरू हो गए कि कुआं में कूद जाएंगे ना तो गोलियां नहीं लगेगा, समझ गए ना, कुआं में कूद जाएंगे तो गोली नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोग इस कुआं में कूदते चले गए, एक आदमी एक के ऊपर एक, मतलब कुआं भर गया। अब सोचिए कि इतना आदमी उस कुआं में कूद गया ना कि कुआं भर गया, अब सबसे निचला आदमी बचेगा जो चप गया, जो पानी में डूब गया वो बचेगा, नहीं बचेगा। तो बहुत सारा लोगों का मौत हो गया कुआं में डूब करके, बहुत सारे लोगों का मौत हो गया इस कुआं में कूदने से, समझ गए। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये जब गोली चला तो इसमें सरकारी गवाह के अनुसार कहा गया कि 379 व्यक्ति मरा है, समझ गए ना, ये सरकारी रिपोर्ट आया कि 379 व्यक्ति ही मरा है, जबकि मरने वालों की संख्या हजारों हजार में थी, ठीक है, मरने वालों की संख्या हजारों हजार में थी, खून की नदियां बह गई थी, यहां खून का धारा चलता था, इतना ज्यादा संख्या में व्यक्ति मरा था, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। जनरल ओडायर को अंग्रेजों ने खूब शाबाशी दिया कि वाह बहुत बढ़िया काम किया है, जबकि अंग्रेजों का पूरा एकदम आंदोलन होना शुरू हो गया, सभी जगह से अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हुआ, और जब यह घटना घट गया तब महात्मा गांधी का आंख खुला कि अरे हम तो फेर में पड़ गए थे अंग्रेजों का, समझ गए ना, तब महात्मा गांधी का आंख खुला, तब रविंद्रनाथ टैगोर का आंख खुला, और जैसे ही महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को इस घटना के बारे में पता चला, 13 अप्रैल को यह घटना हुआ, 18 अप्रैल को प्यारे बच्चों महात्मा गांधी अंग्रेजों के पास गए और कहे कि लो तुम्हारे द्वारा दिया गया हम कैसरे ए हिंद की उपाधि और नाइट की उपाधि को वापस करते हैं, हमें ये उपाधि नहीं चाहिए, हम तुम्हारे खिलाफ अब आंदोलन करेंगे, समझ गए। तो 18 अप्रैल को क्या किया, कैसरे ए हिंद की उपाधि को वो वापस कर दिए और रविंद्रनाथ टैगोर भी नाइट की उपाधि को वापस कर दिए, समझ गए ना, रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो नाइट का उपाधि दिया गया था उसे भी वापस कर दिए, समझ में आया, हाँ या ना बोलिए, समझ में आया ना।